हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई हुई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबक नंबर 9, जंगल की जिंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने जंगल के बारे में सुन रखा होगा कि जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, जंगल से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फ़ायदेमंद की बातें सुनी होंगी, फ़ायदे की बातें सुनी होंगी। तो चलिए आज हम चैप्टर में से भी समझते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। जंगल की जिंदगी के मुतालिक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आओ आज आपको जंगल के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएं। जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते जितना आम तौर पर उन्हें समझा जाता है। ये बिलावजह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। अलबत्ता भालू अगर अपने बच्चे के साथ हो तो कभी कभी बेवजह हमला कर बैठता है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि शेर, चीते, हाथी, गेंडे और दूसरे जंगली जानवरों से दूर ही रहना बेहतर है। यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि सच्ची बात तो यह है, हर कोई जानता है कि जो भी जंगली जानवर होते हैं, शेर, चीता, हाथी, गेंडा, इन सब से हमें दूर रहना ही सही है, नहीं तो बड़ी खतरे उठाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग उनके तौर तरीके नहीं समझते और ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये जानवर जंगल के बासी हैं, यानी जंगल के बासी जंगल में रहने वाले जानवर हैं। ये जिस माहौल में रहते हैं वहाँ खुद रहो, पेड़ पौधे, खुद रहो का मतलब जो खुद से, जो पौधा उगे, खुद से अपने आप से ग्रो करे, तो पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ कसरत से होती हैं। कसरत से यानी ज़्यादा। जंगल में क्या होता है, जंगल में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, घास फूस, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जो कि खुद से उगते हैं, है ना, कोई जंगल में लगाने तो नहीं जाता है। आगे चलते हैं। जंगल में तरह तरह के कीड़े मकौड़े, चिड़ियाँ और जानवर पाए जाते हैं। जंगल में कोई ना कोई चश्मा, चश्मा बेटा उसे बोलते हैं जो पानी खुद से, अपने आप से ज़मीन के अंदर से उबल के निकले। झील, नदी भी होती हैं। तमाम जंगल एक से नहीं होते, बल्कि हर जंगल की आबो हवा और ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ होती है, यानी अलग होती है। उसी लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। मिसाल के तौर पर शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। किस इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि शेर किस तरह के जंगलों में रहता है, तो जहाँ खूब पेड़ पौधे, झाड़ियाँ हो, शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर हो, तो वहाँ पे शेर मिलता है। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, मसलन कौन कौन से जंगल में पेड़ पाए जाते हैं, ध्यान देंगे बच्चे? चीड़, देवदार, साल, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये देखिए, चीड़, देवदार, साल, सागौन वगैरह। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरन और बंदर और सांप भी होते हैं। मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन जंगलों में घने ऊंचे और चौड़े पत्तों वाले दरख्त जैसे ढाक वगैरह होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा हो और बहुत ध्यान से सारी बातें सुनेंगे और एक एक पॉइंट पर, जैसे मैं दिखा रही हूँ अंडरलाइन करके, तो आप उस पर ध्यान भी देंगे। ओके, यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफरात होती है। इफरात मतलब ज्यादा कहते नहीं, पानी बहुत इफरात है। जानवर भी ऊपरी हिस्सों से आते जाते रहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। पानी की कमी कहाँ होती है बेटा, आप सबको पता है, रेगिस्तान में। उनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस जिसको बोलते हो आप सभी, बबूल वगैरह, यानी कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं वो रेगिस्तान में उगते हैं। यहाँ ऊँट, बबर, शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। ओके, आगे चलते हैं बेटा। ज्यादा
अधिकतर जानवरों को पौधे से गिजा मिलती है। किससे मिलती है बेटा? पौधे से मिलती है। ज्यादातर जानवरों को गिजा कहाँ से मिलती है? पौधों से। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह, जो खूंखार जानवर होते हैं। खूंखार जानवर उसको बोलते हैं बेटा जो गोश्त खाने वाले होते हैं। चरिंदों से ये फायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जंगल में इतने घने हो जाएंगे कि उनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हो तो चरिंद इतने हो जाएंगे कि सारे का सारा जंगल खाकर खत्म कर देंगे। चिड़िया जंगलों के लिए जरूरी है इसलिए कि उनकी वजह से कीड़े मकौड़े कम होते रहते हैं। वो बीजों को भी बिखेरती हैं और उनके बीज से जंगल जरखेज होते रहते हैं। गर्ज, हर जानवर, हर पौधा जंगल की जिंदगी के लिए अपनी जगह पर जरूरी है। उम्मीद करती हूँ बेटा ये भी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। किसी जमाने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, मगर अब आबादी के बढ़ने, शहरों के आबाद होने, खेती बाड़ी और कारखानों के इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रही हैं, जो कि बेटा हमारी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत खतरा है। कहते हैं जितना पेड़ लगाएंगे हम उतना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट होगा, हमारा माहौल होगा और हमारे लिए ताज़ी हवाएं होंगी। जंगलों की वजह से आबोहवा अच्छी रहती है, हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, बारिश खूब होती है, बाढ़ की तेज़ी कम होती है। इसके अलावा जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ियां, लकड़ी, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबड़, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल, इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हासिल होती हैं। एक तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि हमें जंगल से क्या क्या हासिल होता है, क्या क्या मिलता है, तो बेटा इस पैराग्राफ में आपका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। गर्ज, जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आप सब ने चैप्टर बहुत अच्छे से सुना बेटा, समझा। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब हम इसका सवाल जवाब हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा, पहला सवाल है कि जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है। हम सबको पता है, बस लिखना है अच्छे से आप सबको। जंगली जानवरों से इसलिए दूर रहना ज़रूरी है कि हम उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ नहीं और कभी हमसे कोई ऐसी बात सरजद हो जाए कि जानवर हम पर हमला कर दे और इसलिए उससे हमें ही नुकसान पहुँचेगा। ओके बेटा, अक्सर करके हमें नहीं पता होता है जंगली जानवरों के तौर तरीके और हमने कुछ ऐसा कुछ कर दिया और उसे गुस्सा आ जाए तो फिर तो वो तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, फिर पता है क्या होगा आगे। शेर किस तरह के जंगलों में रहता है, हमने बताया था ना, शेर ऐसे जंगलों में रहता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे हों और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर भी मिलते हों। ओके, जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम ये भी मैंने बताया था आप सबको बेटा। जंगल में चीड़, देवदार, साल, सौगन और ढाक जैसे मशहूर दरख्त मतलब बोलते हैं बेटा पेड़ को, किसको बोलते हैं, पेड़ को। जंगल की जमीन किस तरह जरखेज होती रहती है, तो चिड़ियां जंगल में बीजों को बिखेरती हैं और उनके बीट की वजह से जंगल जरखेज होते हैं। बेट की वजह से जंगल क्या हो जाते हैं, जरखेज मतलब उपजाऊ होना। ठीक, नाग, फनी, बबूल, कांटे और दार पौधे रेगिस्तान में क्यों ज्यादा होते हैं, तो आप सबको पता है चूंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और नागफनी, बबूल, कांटेदार पेड़ पौधों की क्या होती है, ज्यास्ती होती है। रेगिस्तानी माहौल में बेटा, रेगिस्तानी जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ पे सिर्फ कांटेदार पेड़ पौधे ही आप सबको मिलेंगे। ओके, यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए वो रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और रेगिस्तान में पानी की कमी भी होती है, तो इस तरह के रेगिस्तानी एरिया जो होते हैं वहाँ पे कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं।
अगर जंगल ज्यादा घने हो जाएं तो उन्हें क्या नुकसान होता है? अगर जंगल ज्यादा घने हो जाएंगे तो उनमें रोशनी, हवा, पानी की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे। अब चलते हैं हम सातवें नंबर पे बेटा, कि अगर जंगल ना होते तो हमें कौन कौन सी चीजें नहीं मिलती। जंगलों की वजह से आबोहवा अच्छी रहती है, हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, बारिश खूब होती है, बाढ़ की तेजी कम होती है। इसके अलावा तरह तरह की जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ी, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबड़, कागज बनाने की लकड़ियां, तारपीन का तेल और इस तरह की बेशुमार चीजें मिलती हैं। जितनी भी चीजें मिलती हैं, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी जंगलों से हमें बेशुमार चीजें मिलती हैं। अगर जंगल ना होते तो ये सब चीजें नहीं मिलती, आप सबको पता है। अब कह रहे नीचे लिखे हुए लफ्जों से आप सबको क्या बनाना है बेटा? जुमले बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ओके, पहला जुमला कौन सा है, पहला लफ्ज अल्फाज कौन सा है? दिलचस्प। जो कहानियां दिलचस्प होती हैं बच्चे उन्हें शौक से सुनते हैं। हम सभी दिलचस्प कहानियों को बहुत गौर से सुनते हैं और खूब मजे भी लेते हैं। खूंखार जंगल में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा कि जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं। आप अपने हिसाब से भी जुमले बना सकते हैं, ठीक है? जंगलों में खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं। कसरत, कसरत मतलब ज्यास्ती, ज्यादा। कसरत से मीठा खाने वाले बीमार पड़ जाते हैं। कसरत यानी कहते हैं ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर पेशेंट हो जाओगे, है ना? यानी मीठा ज्यादा खाने से, कसरत से खाने से हमें डायबिटिक होने का खतरा रहता है। तौर तरीके, इंसानों की तरह जानवरों के भी तौर तरीके होते हैं, बिल्कुल बेटा होते हैं। जरखेज, खेतों की मिट्टी जरखेज हो तो फसल भी अच्छी होती है। जरखेज यानी उपजाऊ, अगर मिट्टी उपजाऊ होती है तो पेड़ पौधे, फसल भी अच्छे से तैयार होती है। नीचे लिखे हुए लफ्जों से खाली जगह आप सबको भरना है बेटा। देखिए पहले से सॉल्व है यहाँ पे, किसी जमाने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, उसके लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। जंगलों की वजह से आबोहवा अच्छी रहती है, हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं, ठीक। जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आता है। ओके बेटा, आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से किया, समझा। अब हम चलते हैं कवायद की तरफ। नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद और जमा बनाना है। वाहिद और जमा आप सबको मैं डे वन से बताती चली आ रही हूँ बेटा। हिंदी में आपने एक वचन बहुवचन किया, इंग्लिश में आपने सिंगुलर प्लूरल किया, वैसे ही डिक्टो आपको उर्दू में वाहिद जमा करना है। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारे, यानी जंगल वाहिद है, एक है। जंगलात बहुत सारे, परिंद परिंदे, दरिंद दरिंदे, कहानियां कहानी, यानी अब यहाँ पे जमा आ गया, आपको अब इसका वाहिद बनाना है। कहानियां है तो कहानी हो जाएगा, झाड़ियां है तो झाड़ी हो जाएगा। ओके बेटा आगे चलते हैं। ये देखिए अब आ गया आपका मुजक्कर और मुअन्नस, नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुजक्कर और मुअन्नस। बेटा मुजक्कर मुअन्नस आपने हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग किया था ना, जैसे स्त्रीलिंग को मुअन्नस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग को मुअन्नस, जैसे नानी, दादी, चाची, अम्मी, ये सब हमारा क्या है? मुअन्नस है, स्त्रीलिंग है। पुरलिंग में क्या आएगा? दादा, चाचा, मामा, ये सारे मुजक्कर में आएंगे। तो वैसे ही चलिए शुरू करते हैं। शेर का क्या होगा? शेर क्या है बेटा? मुजक्कर है, यानी पुरलिंग हिंदी में पढ़ा था ना आपने। और शेरनी क्या है? मुअन्नस है। बेटा हिंदी और इंग्लिश वर्जन में मैं इसलिए बताती हूँ ताकि, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होता है। अगर मैं कोरिलेट कर दूंगी दोनों को तो इससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। बंदर बंदर या, हिरन हिरनी, हाथी हथिनी, ऊंट ऊंटनी। तो इस तरीके से हमने मुजक्कर और मुअन्नस भी हल कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब कह रहे हैं नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद बताना आपको। मुतजाद यानी उल्टा अल्फाज, विलोम शब्द आपने किया, अपोजिट वर्ड किया। आज हम उर्दू में क्या करेंगे? मुतजाद अल्फाज बनाएंगे। अल्फाज क्या है? दिलचस्प। अब बोलूंगी मैं इसका मुतजाद बनाएं तो क्या बन जाएगा? गैर दिलचस्प। कसरत किल्लत, कसरत मतलब ज्यादा, किल्लत मतलब कम, ठीक है? आबाद गैर आबाद, उजाड़। नुकसान नफा फायदा, रोशनी तारीकी, रोशनी मतलब उजारा, तारीकी मतलब अंधेरा। ओके बेटा उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आ गया हो। अब आपको जंगल की अहमियत पर 5 जुमले लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप यही लिखें, उठा के आप और भी चेंज करके लिख सकते हैं और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
जंगल इंसानी और हैवानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा कि जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए, आने वाले कल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर जंगल नहीं होंगे तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है। और ताज़ी हवा हमें कहाँ से मिलती है बेटा? पेड़ से, जंगल से। ओके, जंगलों की वजह से आबोहवा अच्छी रहती है, जंगलों की वजह से हवा से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, बारिश खूब होती है। जंगलों से हमें शहद, गोंद के अलावा तरह तरह की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, इमारती लकड़ी, लाख, रबड़ कागज़ बनाने की लकड़ी और तारपीन का तेल भी जंगलों से हमें हासिल होता है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से अपनी कॉपी चेक कराएंगे। ओके बेटा, और बेटा प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।